नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत, BGMIS क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज अपने इंडियन ज्योग्राफी को आगे निकालते हुए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे और उम्मीद करते होंगे कि हमारी वीडियो आप लोगों को समझ में आती होगी। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को समझ में आती होगी तो आप लोग शेयर करते रहिएगा वीडियो। चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस सतपुड़ा पर्वत के बारे में, इसके बारे में देखना था मुझे आज। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में देखना है मुझे। यदि हम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, ये मान लीजिए कि ये आपका हो गया गुजरात और इस गुजरात के बाद ये आपकी हो गई मध्य प्रदेश और ये मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, तो इसका नाम है मध्य प्रदेश और इसका नाम है छत्तीसगढ़। सबसे पहले हम बोलेंगे कि सतपुड़ा पर्वत जो श्रेणी है इसका विस्तार भारत के दो राज्यों में मिलती है। कितने राज्यों में मिलती है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार भारत के दो राज्यों में मिलती है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है वह दो राज्यों में मिलता है और उस दो राज्यों का नाम है, एक का नाम है मध्य प्रदेश, दूसरे का नाम है छत्तीसगढ़। तो इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ मिलता है? हम यहाँ पर लिख देते हैं कि सर्वाधिक विस्तार कहाँ मिलती है, तो मध्य प्रदेश से मिलती है। दूसरी पॉइंट कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है इसका अक्षांशीय विस्तार देखिएगा कि 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा में विस्तार मिलता है। तो इसका विस्तार, अक्षांशीय विस्तार कितना है, इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, इस 21 से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा में क्या मिलता है, इसका विस्तार मिलता है। अब हम क्या देखेंगे कि जो हमें सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को भ्रंश पर्वत के नाम जानते हैं। अभी इसको छोड़ दीजिए, अभी इसमें हल्का हल्का सी चीज क्या देखेंगे कि इस सतपुड़ा पर्वत में बेसाल्ट और ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है। तो सतपुड़ा पर्वत में कौन सी चट्टान पाई जाती है? बेसाल्ट और ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आप बोलिएगा कि काली मिट्टी पाई जाती है। बहुत बढ़िया। तो अब हम क्या देखेंगे कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में गन्ना और कपास की खेती सर्वाधिक की जाती है। अब इतना देखने के बाद हम बोलेंगे कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की एक नीचे से नदी बहती है और ये जो नदी बह रही है तो इस नदी के नाम है ताप्ती नदी। कौन सी नदी नाम है इसका? इसका नाम बोलिएगा आप लोग कि ताप्ती नदी। और इसके ऊपर से भी एक नदी बहेगी जिसका नाम है नर्मदा नदी, इसके बारे में देखते हैं। ये जो सतपुड़ा पर्वत है इसको निम्न भागों में बांटा गया है। तो देखेंगे सतपुड़ा पर्वत को मध्य प्रदेश में, कहाँ, तो सतपुड़ा पर्वत को मध्य प्रदेश में हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो सतपुड़ा पर्वत को मध्य प्रदेश में आपको यहाँ पर बोलना पड़ेगा कि राज पीपला की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। राज पीपला की पहाड़ी नाम जानते हैं, जबकि मध्य प्रदेश में ही हम लोग
महादेव पर्वत या पहाड़ी के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग मैकाल पर्वत के नाम जानते हैं। एक हो गया महादेव, राज पिपला और मैकाल। सबसे पहले राज पिपला की पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। किसका भाग है? सतपुरा पर्वत श्रेणी का भाग है। महादेव पर्वत कहाँ है? बोलिएगा कि मध्य प्रदेश में है। किसका भाग है? सतपुरा पर्वत श्रेणी का भाग है। मैकाल पर्वत कहाँ है? मैकाल पर्वत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। मैकाल पर्वत का विस्तार दो जगह पर। अब हम देखते हैं कि जो महादेव पर्वत है इस महादेव की ऊंचा भाग है जिसका नाम है धूपगढ़। क्या नाम है? धूपगढ़। ये जो धूपगढ़ है ये महादेव पर्वत की उच्च भाग है और इस धूपगढ़ की जो ऊंचाई है इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। तो धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखते हैं कि सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है, क्या नाम है भाई? धूपगढ़। तो यहाँ से याद हो गया सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है धूपगढ़। ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा ये चीज और कि इस धूपगढ़ पर एक शहर है। क्या है? इस धूपगढ़ पर एक शहर है और इस शहर का नाम है पंचमढ़ी शहर। पंचमढ़ी शहर। तो ये जो पंचमढ़ी शहर है हम यहाँ पर लिखते हैं नोट में, क्या लिखेंगे कि पंचमढ़ी या मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है। तो हिल स्टेशन को हम लोग पर्वतीय शहर या नगर के नाम जानते हैं। तो मध्य प्रदेश का पर्वतीय शहर का क्या नाम है? पंचमढ़ी। कहाँ है? सतपुड़ा पर है। सतपुड़ा पर भी कहाँ है? तो धूपगढ़ पे है, या तो हम बोल देंगे कि महादेव पर्वत पे है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इतना देख लिए। अब मैकाल में बात करते हैं। जो चीज हम यहाँ पर लिखे तो यहाँ पर लिख देते ना कि महादेव का ऊंचा भाग। तो महादेव का जो ऊंचा भाग है उसका क्या नाम है? धूपगढ़। और इस धूपगढ़ की ऊंचाई कितना है? 1350 मीटर। और ये सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। उसी तरह से हम मैकाल के बारे में बात करते हैं। तो ये मैकाल में आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक है अमरकंटक। कौन सी कंटक? इसका नाम है अमरकंटक। तो अमरकंटक किसका है? हम तो यहाँ पर लिखते हैं कि मैकाल पर्वत का ऊंचा भाग का क्या नाम है भाई? अमरकंटक। अब इस अमरकंटक की पहाड़ी से दो नदी निकलेगी। एक निकलेगी नर्मदा, दूसरी निकलेगी ताप्ती। आपको याद करना पड़ेगा कि यहाँ से निकलती है, ध्यान दीजिएगा ध्यान से आप लोग, यहाँ से निकल जाएगी इस नदी का नाम हो गया बाबू नर्मदा नदी। इसका क्या नाम हो गया? इसका बोलेंगे नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकल गई? अमरकंटक से। और यहीं से और एक नदी निकलेगी जिस नदी का नाम हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी भी कहाँ से निकल गई? आपकी अमरकंटक की पहाड़ी से ही निकल गई। ठीक है, अब जैसे कि बहुत सारे बुक में और बहुत सारे जगहों में पता चलता है कि अमरकंटक से तीन नदियां निकलती है, सोन नर्मदा और महानदी। बिल्कुल नहीं, अमरकंटक से सिर्फ दो ही नदी निकलती है, सोन और नर्मदा। जबकि आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी का नाम है सिंहवा की पहाड़ी। इसका क्या नाम है भाई? इसका नाम है सिंहवा की पहाड़ी। अब इस सिंहवा की पहाड़ी से एक नदी निकल जाएगी, इस सिंहवा की पहाड़ी से भी एक नदी निकल जाएगी
और इस नदी का नाम हो जाएगा महानदी। तो महानदी कहाँ से निकल गई? सीवा की पहाड़ी से, ठीक है। तो सीवा की पहाड़ी से कौन सी नदी? महानदी नदी निकलती है। तो अब आपको याद करना पड़ेगा कि सीमा की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला से। यहाँ पर लिखते हैं नोट में, छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर डिस्ट्रिक्ट में सीमा की पहाड़ी से महानदी निकलती है। महानदी मैकाल से निकल गया, बिल्कुल। और मैकाल में अमरकंटक से नहीं निकला, कहाँ से निकल गया? सीमा की पहाड़ी से निकल गया। तो यहाँ से आपकी होगी महानदी। तो हम उम्मीद करते होंगे कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ रही होगी। आपको बोल रहा हूँ क्या, जो सतपुरा पर्वत श्रेणी है यह नर्मदा और ताप्ती के भ्रंश में बहती है। जो सतपुरा पर्वत श्रेणी है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है कि मान लीजिए कि आपका सतपुरा पर्वत श्रेणी है, क्या है ये सतपुरा पर्वत श्रेणी है, और इस सतपुरा पर्वत श्रेणी के नीचे से एक नदी बहती है जिसका नाम है ताप्ती नदी, और ऊपर से बहती है जिसका नाम है नर्मदा नदी, और इसके भी ऊपर एक पर्वत है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत के समानांतर और नर्मदा और ताप्ती के भ्रंश में अवस्थित है, इसीलिए इसको हम भ्रंश पर्वत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर और लिख लीजिएगा कि सतपुरा पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती के भ्रंश में अवस्थित है, तो ठीक है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में बताइएगा और हम इसको बदला दिए, और नहीं तो आप लोग इसको अच्छा समझने के लिए जल्दी से इसके स्क्रीन शॉट लीजिए ताकि हम इसको अच्छा सब समझ पाए। चलिए ध्यान देते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका गुजरात, इस तरह से बदले होंगे गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो यहां पर लिखते हैं गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। अब इन दो स्टेटों में ये क्या था आपका? सतपुरा पर्वत श्रेणी था, इसका क्या नाम था? सतपुरा पर्वत श्रेणी था। सतपुरा पर्वत को मध्य प्रदेश में एक को बोलते थे राजपिपला, राजपिपला, एक को बोलते हैं महादेव। तो राजपिपला और महादेव दोनों कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में है, और एक को बोलते हैं मैकाल पर्वत, ध्यान लीजिएगा। तो इस मैकाल पर्वत का जो ऊंचा भाग है इसका नाम है अमरकंटक, और इस अमरकंटक से एक नदी निकल गई जिसका नाम है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। और यहाँ पर एक पहाड़ी है इसी मैकाल में, इस पहाड़ी के नाम है सीवा की पहाड़ी, और इस सीवा की पहाड़ी से निकल गई महानदी, ठीक है। तो सीवा की जो पहाड़ी है ये है कहाँ पर? तो सीवा की पहाड़ी कहाँ है? सीवा की पहाड़ी तो यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला में अवस्थित है, ठीक ना। सीवा की पहाड़ी कहाँ है? छत्तीसगढ़। तो इस तरह से आपको समझना होगा। और अभी हम नदी नहीं पढ़ा रहे हैं, जब नदी पढ़ाएंगे तो आपको नदी बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से पर्वत के हिसाब से समझ में आएगी। तो आपको इसमें क्या क्या याद करना था? आपको याद करना था कि जो सतपुरा पर्वत श्रेणी है इसका विस्तार भारत के दो राज्यों में अक्षांशीय विस्तार 21 से 24 डिग्री और उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में मिलती है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी चट्टान, कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये सब देख लिया आप लोग, इत्यादि चीज बता दिया गया है। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।